एक सरप्रस चैनल आता है, उनके ओनर भी हैं, तो मैं उनका स्वागत वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ कि प्लीज यहाँ पर आए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए उनका। नेशनल जर्नलिस्ट है वो, उनका नाम है महबूब रजा सिद्दीकी। जोरदार ताली हो जाए। मोहतरम हजरात, सबसे पहले आप तमाम हजरात को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, अर्ज है। इससे पहले कंटेस्टेंट ने एक शेर कहा था, लम्बा इकबाल का बहुत बड़ा शेर है, खुदी को कर बुला। अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमायरा इब्राहिम की दुनिया। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और टाइटल और थंबनेल में तो आपने देखा ही है कि हम एक इवेंट में आए हैं जहाँ बहुत से बच्चे अपना अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, और ये सब टैलेंट जो दिखा रहे हैं सरफराज सर की वजह से दिखा रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे इंडियन आइडल के दीपक सर, जर्नलिस्ट महबूब रजा सिद्दीकी साहब सब आए हैं, और हम मिले, उनसे वीडियो लिए और वो स्पीच भी दिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, एंजॉय कीजिए। एक सरप्रस चैनल आता है, उनके ओनर भी हैं, तो मैं उनका स्वागत वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ कि प्लीज यहाँ पर आए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए उनका। नेशनल जर्नलिस्ट है वो, उनका नाम है महबूब रजा सिद्दीकी। जोरदार ताली हो जाए। आप सब हमेशा टेलीविजन पर देखते रहते हैं हम लोगों के खास मेहमान, और बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि यहाँ पर अपना वक्त निकाल कर हम लोगों के बीच में आए। अक्सर टेलीविजन पर हम लोग उनका न्यूज़ देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ खास न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया में पहुँचाने का काम करते हैं। महबूब रजा सिद्दीकी नाम भी उनका महबूब है, और हम सब के महबूब हैं और हम सब के चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चलिए नेक्स्ट। मेरे महबूब तुझे सलाम, सलाम सलाम सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम। रजा साहब आपका हार्दिक स्वागत, आप यहाँ तशरीफ लाए हैं। चलिए अगले बच्चे इंतज़ार कर रही हैं। आजरा तबरेज बेटा, आप क्या गाओगे? माइक दीजिए उनको, क्या बजाओगे? चुरा लिया है तुमने जो विच इस सी मेजर स्केल। ओके, चल थैंक यू। बेटा सुनो, आजरा कॉन्फिडेंस, मुस्कुराते हुए बजाओ, चुरा लिया है तुमने दिल को, बस सबका दिल तुम चुरा लो, ठीक है बेटा? चलो चेक कर लो पहले, ठीक है? अगला गाना डोरेमी।
Very well tried. Learn well. Okay. Keep on practicing music. Very good. Okay, Pita. आप जाएं और इसी के साथ अब उन लोगों का दूसरा सीक्वेंस शुरू होगा सिंगिंग कॉम्पिटिशन. हमारे बीच मौजूद हमारे मेहमान जनाब मोहम्मद फैयाज. कॉम्पिटिशन के बाद भी गेस्ट परफॉर्मेंस है तो चलिए करके फिर शुरू बताओ. वो सेकंड चल जाते हैं. अच्छा लगा. पहला मैं आवाज दूंगा अनुपम सरकार. अनुपम सरकार प्राइज मिलेगा. राउंड में जाके जा चुके हैं. अब दावित का काम ये बहुत बड़ा काम है. जिम्मेदारी वाला काम करते हैं महबूब साहब. और आज हम लोग बीच मौजूद हैं तो मैं दिल की गहराई से इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अपना कीमती वक्त निकाल कर हम सब के यहाँ मौजूद हुए हैं. और मैं चाहूँगा कि सरफराज भाई के इस इवेंट के बारे में कुछ दो शब्द जरूर कहें. मोहतरम हजरात, सबसे पहले आप तमाम हजरात को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, अर्ज है. इससे पहले कंटेस्टेंट ने एक शेर कहा था, लम्बा इकबाल का बहुत बड़ा शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले. खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, तेरी मर्जी क्या है. ये शेर इतना बड़ा शेर है. अगर कोई लोग इस दुनिया में तरक्की करना चाहता है, अपने मंजिल को पाना चाहता है, सिर्फ अल्लामा इकबाल का ये शेर अपने बेडरूम में, अपने ऑफिस में, अपनी जगह में अगर रख ले और डेली शेर को पढ़े, उम्मीद कभी है इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी. खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है. यही अल्लामा इकबाल है, यही जो. वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके. और जो न्यू आ रहे हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ. और अगर बच्चे लोग का टैलेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए कि वो भी आगे जाएँ और अपना टैलेंट दिखाएँ और नाम कमाएँ. तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़. और सरफराज सर को भी सपोर्ट कीजिए आप सब.